हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी। मैं ओल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 16 जनवरी और 16 जनवरी के साथ साथ मैं आप लोगों को 12 जनवरी से 15 जनवरी के सभी करंट अफेयर्स हर रोज़ धीरे धीरे अपडेट कराता रहूँगा, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से मैं आपकी क्लास नहीं ले पाया था। तो आपको करंट अफेयर्स जो है वो सारे अपडेट कराए जाएंगे हर एक दिन का, मुझे याद है, और मैं आपको हर एक दिन का जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बना है वो सभी आपको प्रोवाइड करूँगा। आपकी डेली क्लासेस अब इसी चैनल पर हुआ करेंगी और सुबह 5 बजे हुआ करेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, आप लोगों के पास मौका रहेगा 30 रुपये जीतने का। इस वीडियो के बीच में मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, अगर आप देते हैं उनके सही जवाब तो आप जीत सकते हैं 30 रुपये रोज़ाना। तो चलो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच क्रिकेटर वोन द पोली उमरीगर अवार्ड। किस क्रिकेटर ने पोली उमरीगर पुरस्कार जीता है? तो पोली उमरीगर पुरस्कार, पहले तो इसके बारे में जानो कि पोली उमरीगर पुरस्कार होता क्या है। तो पूरे इंटरनेशनल क्रिकेट में से जितना भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेला जाता है उसमें से किसी एक मेल इंटरनेशनल क्रिकेटर को ये अवार्ड दिया जाता है। और इस बार जो बेस्ट मेल इंटरनेशनल क्रिकेटर का जो अवार्ड दिया गया, जिसका नाम है पोली उमरीगर पुरस्कार, ये जीता है जसप्रीत बुमराह ने। जसप्रीत बुमराह जो वनडे रैंकिंग में नंबर वन पर ये बने हुए हैं, इन्हें पोली उमरीगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बीसीसीआई का एनुअल अवार्ड फंक्शन था 12 जनवरी को। कब था? 12 जनवरी को बीसीसीआई का एनुअल अवार्ड फंक्शन था और उसी के मौके पर जसप्रीत बुमराह को पोली उमरीगर अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब यहाँ पर एक टर्म आई बीसीसीआई, तो बीसीसीआई के बारे में जान लेते हैं। बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया स्थापना हुई थी 1928 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। अगर हम बात करें सीईओ, बीसीसीआई के सीईओ है राहुल जोहरी। कौन है? राहुल जोहरी इसके सीईओ है। लेकिन आपसे सीईओ का क्वेश्चन शायद ही एग्जाम में पूछे, लेकिन हमें पता होना चाहिए जो क्वेश्चन अभी बीसीसीआई से बन सकता है वो या तो इसका फुल फॉर्म का बनेगा या अभी जो नया अपडेट हुआ है बीसीसीआई के जो अभी बने हैं कौन प्रेसिडेंट, तो बीसीसीआई के नए प्रेसिडेंट बने हैं सौरव गांगुली। कौन बने हैं? सौरव गांगुली। तो बीसीसीआई के नए प्रेसिडेंट के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कौन बने हैं, तो हमारा उनका नाम है सौरव गांगुली। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द आरबीआई डिप्यूटी गवर्नर। आरबीआई के डिप्यूटी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आरबीआई के नए डिप्यूटी गवर्नर बन गए हैं माइकल देवव्रत पात्र जो है ये आरबीआई के नए डिप्यूटी गवर्नर होंगे। अब यहां पर एक टर्म यूज हुआ है आरबीआई। आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसे बैंकों का बैंक बोला जाता है। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। और इसके जो पहले आप बोल सकते हैं गवर्नर थे, आरबीआई के पहले गवर्नर थे वो थे ओ स्मिथ। कौन है? ओ स्मिथ जो थे ये पहले गवर्नर थे। अगर हम बात करें अभी जो गवर्नर है उनका नाम क्या है, तो अभी जो गवर्नर है उनका नाम है शक्तिकांत दास। क्या नाम है? शक्तिकांत दास जो है ये अभी हाल ही में प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर है शक्तिकांत दास। और इनका नंबर है 25वां। कौन सा नंबर है? 25वां। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि शक्तिकांत दास से पहले आरबीआई के गवर्नर कौन थे? शक्तिदास दास से पहले जो 24वें नंबर के गवर्नर थे उनका नाम क्या था, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अब आपको एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ। हमारे एक पूर्व प्रधानमंत्री भी आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं और उनका नाम है मनमोहन सिंह। तो हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, ये भी आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं और ये रहे हैं 15वें गवर्नर। कौन से गवर्नर? 15वें गवर्नर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं सिर्फ यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स प्रिपेयर नहीं कराऊंगा, करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके, ताकि आप लोगों का जीके पे कमांड बने, उस तरीके से मैं आपको एक करंट अफेयर्स कराता हूँ। तो दोस्तों पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। और आज की हमारी इस वीडियो का टारगेट होगा कम से कम 700 लाइक डेली। 5:15 बजे आपको वीडियो मिला करेगा लाइव, आप देखना चाहे लाइव देख सकते हैं, बाद में कभी भी देख सकते हैं। तो आज मेरा टारगेट है 700 लाइक का। आप भी अपनी ज़िंदगी में छोटे छोटे टारगेट जरूर बनाएं, क्योंकि जब हम उन टारगेट को अचीव करते हैं तब हमारे अंदर से एक अलग ही, मतलब आप समझ सकते हैं, उसे पाने का जज्बा होता है। तो टारगेट के बिना ज़िंदगी सफल नहीं होगी। आप भी अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही छोटे छोटे टारगेट बनाएं, उससे आप लोगों को आगे बढ़ने में मदद मिलेगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर।
विच कम्युनिकेशन सैटेलाइट विल बी लॉन्च्ड बाय इसरो ऑन जनवरी 17। इसरो द्वारा 17 जनवरी को किस संचार उपग्रह का प्रक्षेपण किया जाएगा? तो अभी मतलब कल जो है इसरो एक सैटेलाइट को लॉन्च करने वाला है, और इस सैटेलाइट जो लॉन्च किया जाएगा ये फ्रेंच गुयाना से किया जाएगा। कहाँ से किया जाएगा? फ्रेंच गुयाना से इसे किया जाएगा, और ये सैटेलाइट रिप्लेस करेगा इनसेट 4A को। इनसेट 4A की जगह लेगा ये सैटेलाइट। फ्रेंच गुयाना से इसे लॉन्च किया जाएगा, और लॉन्च व्हीकल जो है उसका नाम क्या है, जिस लॉन्च व्हीकल के द्वारा इसे लॉन्च किया जाएगा उसका नाम है एरियन 5। क्या है? एरियन, ARIANE, एरियन 5 के द्वारा इसे लॉन्च किया जाएगा, और इस सैटेलाइट का नाम है GSAT-30। क्या नाम है? GSAT-30 लॉन्च किया जाएगा कल 17 जनवरी को। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे इसरो का फुल फॉर्म क्या है, इसरो के चेयरमैन का क्या नाम है, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है, और इसरो का मोटो क्या है। अब कुछ नए स्टूडेंट्स जुड़े होंगे, उनके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ने तो कुछ बताया नहीं, सब कुछ हमसे पूछ लिया। मैंने, आप चेक करिएगा पहली वीडियोज, प्लेलिस्ट का ऑप्शन, जो प्लेलिस्ट है आप पूरा प्ले कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मैंने इसरो के बारे में बहुत बार पढ़ाया है, आज आपका मौका है, इन क्वेश्चंस के जवाब दें, आप जीत सकते हैं 30 रुपये। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी फिल्म्स हैव बीन नॉमिनेटेड इन द बेस्ट पिक्चर कैटेगरी फॉर ओस्कर्स 2020। तो कितनी फिल्मों को, जो कितनी मूवी है जिन्हें बेस्ट पिक्चर कैटेगरी के तौर पर ओस्कर 2020 में नॉमिनेट किया गया है? तो टोटल मूवीज़ है नौ मूवीज़ को बेस्ट पिक्चर कैटेगरी की में ओस्कर 2020 में नॉमिनेट किया गया है। जैसे अभी आपको याद होगा गोल्डन ग्लोब अवार्ड किसको मिला था, 1917 को, और जोकर, वे दोनों मूवी भी है। तो टोटल नौ मूवीज को ओस्कर्स में जो है नॉमिनेट किया गया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ ओमान सुल्तान हु पास्ड अवे रिसेंटली। ओमान के सुल्तान का क्या नाम था जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो उनका नाम था काबूस बिन सईद। क्या नाम था? काबूस बिन सईद, ये ओमान के सुल्तान थे, और इनका हाल ही में 10 जनवरी 2020 को निधन हो गया। अब जो यहाँ के जो नए सुल्तान होंगे उनका नाम होगा हैतम बिन तारिक अल सईद। हैतम बिन तारिक अल सईद ये ओमान के नए सुल्तान होंगे। ठीक है, तो हैतम बिन तारिक जो है ओमान के नए सुल्तान बन गए हैं। और अगर हम बात करें ओमान की राजधानी है मस्कट। क्या है? मस्कट, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओमान की राजधानी है मस्कट, और यहाँ की जो करेंसी है, मुद्रा है, वो है ओमानी रियाल। क्या है? ओमानी रियाल जो है यहाँ की मुद्रा है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। और अगला क्वेश्चन है, द डायरेक्ट्रेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन हैज़ मैंडेटेड ऑल ड्रोन यूजर्स टू रजिस्टर देयर गैजेट्स बाय विच डेट। नागरिक उड्डयन निदेशालय ने अपने सभी ड्रोन उपयोगकर्ताओं को अपने गैजेट को किस तिथि तक पंजीकृत करने के लिए अनिवार्य किया है? तो सभी गैजेट्स को जो है 31 जनवरी 2020 तक अनिवार्य कर दिया गया। यहाँ पर बोला गया है कि जितने भी ड्रोन का यूज़ करते हैं उन्हें अपने गैजेट्स को रजिस्टर कराना होगा, क्योंकि अब जो है ड्रोन को आप बिना परमिशन के नहीं उड़ा सकते। जैसे आपने देखा होगा आजकल शादी विवाह और रेड जोन एरिया के अंदर भी ड्रोन्स का काफ़ी यूज बढ़ गया था, जिससे हमारी सेफ्टी को खतरा रहता है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब जितने भी ड्रोन यूजर्स हैं उनको अपने गैजेट्स को जो है क्या कराना होगा, रजिस्टर कराना होगा। और उसके लास्ट डेट जो की गई है वो 31 जनवरी की गई है। अगर उस डेट तक ये उसे रजिस्टर नहीं करा पाते हैं और उसका यूज करते हुए मिले तो इंडियन पिनल कोड के तहत उन पर कार्रवाई की जाएगी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच कोर्ट एनवर्ल्ड परवेज मुशरफ्स डेथ पेनाल्टी कॉलिंग द स्पेशल ट्रिब्यूनल्स रूलिंग एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। किस न्यायालय ने विशेष न्यायाधिकरण के फैसलों को असंवैधानिक करार देते हुए परवेज मुशरफ की मौत की सजा को रद्द कर दिया है? तो जो परवेज मुशरफ है पहले पाकिस्तान आर्मी के चीफ रह चुके हैं। परवेज मुशरफ को मौत की सजा दी गई थी लेकिन इसे असंवैधानिक करार देते हुए लाहौर हाई कोर्ट ने जो है क्या कर दिया है, रद्द कर दिया, इस फैसले को रद्द कर दिया। तो इसका नाम है लाहौर हाई कोर्ट। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे पाकिस्तान के राष्ट्रपति और अभी जो आर्मी के जनरल है उनका नाम क्या है, पाकिस्तान के राष्ट्रपति और आर्मी के जनरल। इससे पहली वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को पाकिस्तान के बारे में बताया था। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज नेशनल यूथ डे ऑब्जर्व इन इंडिया एवरीवेयर। हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को, स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर,
हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। अब आप सब, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन बनेगा वो ऐसा नहीं बनेगा ना, एग्जामिनर सीधा सीधा ये पूछेगा कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। एग्जामिनर जो है अब थोड़ा स्मार्ट हो गया है और वो स्मार्ट चीज़ें पूछता है। जैसे वो पूछेगा कि 12 जनवरी को मनाए गए राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम क्या थी, उसका विषय क्या था, तो ये आपको लिए क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। और क्वेश्चन की थीम क्या थी, 12 जनवरी को मनाए गए राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम क्या थी, तो इसका आप आंसर देंगे चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग। क्या थीम थी, चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग। ये था 12 जनवरी को मनाए गए यूथ डे का थीम, चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग। दोस्तों अगर आप मुझसे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, लेकिन मेरा टेलीग्राम और व्हाट्सएप जो है पेड है, वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स और थोड़ा बहुत स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा। टेलीग्राम में आपको ज्वाइन करने के लिए बोलता हूँ, लेकिन अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं सिर्फ 30 रुपीज़ के अंदर आप लोगों को बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा ये नंबर है 7827034344। आप इस नंबर पे पेटीएम, फ़ोनपे, पेटीएम करके इस नंबर पे आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हैं। फ़ायदा आपको बहुत सारी चीज़ें, जो आप बुक्स 500-500 रुपये में ख़रीदते हैं यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। करंट अफेयर्स मैगज़ीन यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाया करेगी। जो आप हर महीने 4500 रुपये की ख़रीदते हैं वो मतलब वन टाइम पेमेंट है और आपको ज़िंदगी भर काम आएगा, तो आप ज्वाइन करना चाहे तो कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वॉट इज द नेम ऑफ ईरान्स ओनली वुमेन ओलंपिक मेडलिस्ट हु रिसेंटली अनाउंस टू लीव द कंट्री। ईरान की एकमात्र महिला ओलंपिक पदक विजेता का क्या नाम है जिन्होंने हाल ही में देश छोड़ने की घोषणा की है। तो 2016 रियो ओलंपिक आपको याद होगा, वहां पर ईरान की इस खिलाड़ी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था और इनका नाम है कीमिया अलीजादे। क्या नाम है, कीमिया अलीजादे। तो ईरान की एकमात्र खिलाड़ी है और जिन्होंने अब अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से बोला है कि मैं ईरान छोड़ने जा रही हूँ। तो कीमिया अलीजादे जो है ये है वो महिला खिलाड़ी जिन्होंने ये ईरान को छोड़ने की घोषणा की है। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे ईरान के जनरल का क्या नाम था जिनका हाल ही में US एयर स्ट्राइक में जो है हमला करके मार कराया गया था, उनका क्या नाम था बगदाद एयरपोर्ट के पास। अगले क्वेश्चन पर आते हैं और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नया नाम क्या है, देखते हैं कितने लोग सही जवाब देंगे। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नया नाम, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो है कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नया नाम होगा, तो करेक्ट आंसर होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो दोस्तों ये था आज का हमारा, प्लस कुछ पिछले दिनों के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ऐसे ही मैं आपको ये पिछले दोनों तीनों के जो करंट अफेयर्स हमारे छूटे हैं वीडियो के अंदर कवर करा दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। बस आपका से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। हर रोज़ 5:15 बजे आप लोगों का जो है प्रीमियर हुआ करेगा, लाइव प्रीमियर, तो ज़रूर देखिएगा। और जो क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूँ उनका जवाब देकर आप बन सकते हैं आज के लकी विनर और जीत सकते हैं 30 रुपीज़ डेली। तो जीत जवाब ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ नई चीज़ें लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल।